मोदी सरकार आज 2.0 का दूसरा अपना बजट पेश करने वाली है। डंबाडोल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने कई चुनौतियां हैं। तो निर्मला सीतारमण इस दूसरे बजट से कॉरपोरेट से लेकर आम आदमी को कई तरह की उम्मीदें हैं। सरकार के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये कि इस बजट से आर्थिक चुनौती से निपटा जा सके, राजकोषीय घाटे के मोर्चे पर ही संतुलन बनाया जा सके। हालांकि सरकार के पास एक ऐसा मौका भी है जो वो आम लोगों से इस बात का भी एहसास करा सके कि डूबती अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए वो लगातार कोशिश कर रही है। तो काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं, लेकिन क्या कुछ वित्त मंत्री के पिटारे से निकलेगा, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं। और इसी बीच संवाददाता अमित दुबे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अब कुछ ही घंटों में निर्मला सीतारमण जो बजट है वो पेश करने जा रही है, खासी उम्मीदें लोगों को। जी बिल्कुल, देखिए इस बार के बजट में खास तौर पे जबकि अर्थव्यवस्था जो है वो मंदी के दौर से गुजर रही है, बेरोजगारी भी अपनी जगह चरम पे है, दूसरी तरफ महंगाई लगातार बढ़ रही जिससे आम लोग भी प्रभावित हैं, और यही बड़ी वजह है कि आज के बजट पे सबकी नजर रहेगी। हालांकि टैक्स रेप को लेकर हमें नहीं लगता कि ज्यादा बदलाव होगा, जो 5 लाख तक टैक्स जो है 5% है उसी के बीच रहेगा, लेकिन सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती कि कितना कैसे अपने लिए सरकार खर्चों के लिए धन मुहैया कराती है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट है, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, चाहे नल से जल हो, या प्रधानमंत्री आवास योजना तहत मिलने वाले घर, तो उनमें जो राशि दी जा रही थी उनका आवंटन भी कम हो गया है। यानी सरकार के पास इतने पैसे नहीं है कि जिस तरह से सरकार इन बजटों पे खर्च करना चाहती थी उस तरह से पैसे सरकार नहीं दे पा रही। तो जाहिर तौर पर बहुत सारी चुनौतियां हैं। अब आज वित्त मंत्री क्या कुछ निकालती हैं, कैसे सरकार के खजाने को भरा जाना है, इन सारी बातों पे आज रहेगी नजर। बिल्कुल, हालांकि क्या कुछ पिटारे में निकलता है वो देखना होगा, लेकिन इसके साथ ही कई चुनौतियां जो हैं वो इस बार सरकार के सामने रहने वाली है, क्योंकि पिछले कुछ महीने बेहद खराब अर्थव्यवस्था के लिए रहे और जिसको लेकर लगातार विरोधी दल भी हमलावर रहे। तो ऐसे में अमित, सबकी निगाहें इस पर भी टिके हैं कि इन चुनौतियों को किस तरह से पार करने की कोशिश होगी इस बजट में सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज कि आम आदमी को क्या राहत होगी, क्योंकि आम आदमी को बजट से बहुत बहुत उम्मीदें होती है, क्या कुछ महंगा होने वाला है, क्या सस्ता होने वाला है। और सबसे बड़ी चीज कि मंदी के दौर में जो बजट से पहले ही सरकार की तरफ से औद्योगिक जगत को जो छूट दी गई थी, सरकार को उम्मीद थी कि निवेश बढ़ेगा, उससे टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, और इससे लगभग 1 लाख करोड़ का नुकसान जो है कहीं ना कहीं एक तरह से राजस्व के लिए दिखाई पड़ रहा था। अब सरकार को क्या जिस दिशा में सरकार जाना चाहती थी क्या कामयाबी मिली, या उस दिशा में और आगे बढ़ना है, तो उस कई सारे मुद्दे हैं। हालांकि विपक्ष इसे लेकर साफ तौर पर पहले से ही दबाव बना रहा है कि सरकार झूठ का पुलिंदा लेके आने वाली है, क्योंकि मंदी के दौर में सरकार के पास खुद पैसे नहीं, और जिससे लगातार कंपनियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, आय व्यय की लिमिट जो है वो क्रॉस हो चुकी है। तो जाहिर तौर अब खासतौर इस बजट पे कैसे केंद्रीय मंत्री से मैनेज करते हैं। लेकिन बिल्कुल अमित, माना जा रहा है कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था गिर रही है लगातार और बेहद खराब चल रही है, पटरी पर लाने के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं वित्त मंत्री के इस पिटारे से। जी बिल्कुल, देखिए पहले भी इस तरह की कोशिशें की गई, सबसे बड़ी चीज हालांकि विदेशी पूंजी निवेश जो है वो अभी भी पिछले तुलना में ऊपर बना हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी चीज की जो जीडीपी है, जीडीपी को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि पहले 7% की बात कही जा रही थी, अब 5% की बात आ रही है। यहाँ पे जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सरकार जो है वो 6% के आसपास कम से कम जीडीपी रखना चाहती है, लेकिन जो सरकार सोच रही है 6% अगर जीडीपी भी लाती है तो उसके लिए सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं। दूसरी तरफ रेल बजट भी साथ में होगा, रेल का जैसे इस तरह से निजीकरण किया जा रहा है तो उस निजीकरण को कितना बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि पहले ही इसी लेके काफी विरोध हो चुका है, कई प्राइवेट रेलवे में आ चुकी है। अब सरकार इसमें FDI और बढ़ाना चाहती है, निजी निवेश को और बढ़ाना चाहती है,
तो ये भी सारी चीजें हैं कि सरकार किस आधार पे धन को जुटाती है और कैसे लोगों को राहत देने की कोशिश करती है। जी बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं निर्मला सीतारमण के इस बही खाते पर पूरे देश की नजर इस वक्त है और अर्थव्यवस्था को लेकर कई सवाल जो हैं वो खड़े किए जा रहे हैं। नजर इसलिए भी है कि किस तरह से पटरी पर लाने के लिए बड़े ऐलान वित्त मंत्री की तरफ से हो सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए अभी फिलहाल तो मांग और खपत पर बढ़ाने की सबसे ज्यादा जरूरत सरकार को। अमित बिल्कुल, देखिए सरकार जैसा कि मैं बता रहा था, क्योंकि मंदी का दौर लगातार है, ऐसे में भारतीय सरकार ने जरूर अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश की और जो खासतौर पे घरेलू उद्योग थे उन उद्योगों में छूट दी गई। हालांकि सरकार को राजस्व का घाटा जरूर हुआ, लेकिन सरकार इस बात को दावे कह रही थी कि निवेश बढ़ेगा, खासतौर पर लोगों की जो प्रोग्राम्स है बिजनेस को लेकर वो बढ़ेंगे, उससे टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। एक चीज होती है कि हम ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर ले कुछ कंपनियों से, और एक होता है कि ज्यादा कंपनियों से हम थोड़ा थोड़ा टैक्स कलेक्ट करें, तो सरकार की पॉलिसी है कि कंपनियां ज्यादा हो, लोग ज्यादा हो और उनसे टैक्स कलेक्शन हो। तो जाहिर तौर पर सरकार की जो मंशा थी, सबसे बड़ी बात सामने देखने को हुई कि आखिर उस मंशा पे सरकार को कितना बल मिला है। दूसरी बड़ी चीज जो हम जिसकी बात कर रहे थे कि जो प्रधानमंत्री खासतौर पे ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। इसके लिए सरकार धन कैसे मुहैया कराएगी और कैसे आम लोगों को सहूलियत देगी, बिल्कुल ये देखना होगा। अमित लौटेंगे आपके पास, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।